गुड मॉर्निंग कराची, मैं हूं आपकी होस्ट रिदा सैफी और मैं हूं मोहम्मद यासर और हमारा आपका साथ बंदा रहता है जी मंडे टू फ्राइडे। आज आपके सामने मौजूद है बहुत सारी खबरें तबसरों विभाग तो के साथ। सबसे पहले जी बात करते हैं आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की। फरियाल बैंकिंग कोर्ट पहुंच गई है फरियाल तालपुर साहिबा और आसिफ जरदारी की पेशी भी जो है वो मुतवक्क है। बिल्कुल जी, पेशी इस वक्त जारी है और आसिफ अली जरदारी जो साबिक सदर हैं वो और उनकी जो हमशीरा हैं वो पहुंच चुके हैं इस वक्त बैंकिंग कोर्ट के अंदर। प्रोसीडिंग इस वक्त जारी है। बहरहाल इसके हवाले से जैसे ही मजीद इत्तला मिलती है आपको प्रोग्राम में ज़रूर अपडेट करते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि कराची के बैंकिंग कोर्ट में ये मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत होगी और अदालत के बाद इस वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल जी, इससे पहले भी हम देख चुके हैं समाअत के मौके पर, पेशी के मौके पर जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और आज भी इसी हवाले से जो है वो तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। तो ये इस वक्त तक की सूरत। बिल्कुल, नेक्स्ट आपको बता दें जी कि इस वक्त वैसे ही आवाम परेशानी गुरबत मसाइल में घिरी हुई एक और मसला और एक और परेशानी जो कि आज होने जा रही है आवाम के साथ और वो ये कि आज मिनी बजट पेश किया जा रहा है और मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी आज होने वाला है। बिल्कुल जी, मिनी बजट जो है वो पेश किया जाएगा और कुछ मजीद टैक्सेस जो हैं इसमें लागू किए जाएंगे। पहले से जो टैक्स शुदा आइटम हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे और बताया जा रहा है कि जितने भी इंपोर्टेड लग्जरीज हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सेस जो हैं वो लगाया जाएगा। उसकी बड़ी तवील फहरिस्त है, इसके ऊपर तफसील से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल जी, आपको बताएं सानिया साहिवाल की JIT की रिपोर्ट भी कल जिसके ऊपर बड़ी बात होती रही जी। CTD अफसरान खलील और उसके खानदान के कत्ल के जिम्मेदार करार हो गए जी और कल भी राजा बशारत साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 5 बजे का वक्त दिया था वजीर आला पंजाब ने लेकिन वो 5 बजे का वक्त ना आया और रात होती गई शाम होती गई और उसके बाद जिस तरह की बातें और फिर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस और चीज़ें हुई हैं वो हमारे आपके सबके सामने है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई इसमें गैर मुतवक्के बात नहीं थी, कोई गैर मामूली इसमें फैसला नहीं किया गया और यही एक रिवायती तरीका रहा है कि जिम्मेदारों का तायुन होने के बाद आला अफसरों को जो है वो बरतरफ कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बारहा ये सवाल पूछा गया और पूछा जाता रहेगा कि सिर्फ बरतरफ कर देने से क्या मामला हल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, दूसरी जानब जबकि मकतूल जिशान के दहशतगर्दों से राब्ते के शवाहिद मिल गए ऐसा कहना है इंटेलिजेंस ज़राए का। बिल्कुल जी, और इस चीज़ का भी एतराफ़ कर लिया गया है कि जो मकतूल की जो फैमिली थी उसको बेगुनाह मारा गया है और इसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा भी चलाया जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पर काबिल जिक्र है कि जो मकतूल जिशान है उसके किसी न किसी तरह रबते जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी, आपको ये भी बताएं साथ ही कि जिस तरह से 5 महीने हो गए हैं और हमारी हुकूमत में करप्शन का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया है, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और मुल्क के सबसे बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि इमरान खान साहब के प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो अब वो ये भी आके बता रहे हैं कि जी 5 महीने में हमारा करप्शन की हमारी हुकूमत की करप्शन का एक स्कैंडल सामने नहीं आया अब तक। अच्छा, ये बड़ी गैर मामूली बात है कि इतने सारे मामलों के ऊपर अब तक बात हो चुकी है, चाहे वो डैम्स के ठेके के हवाले से हो या और दीगर मामलात में हो, या IG इस्लामाबाद को बरतरफ कर देने के हवाले से हो या DPO मुल्तान को बरतरफ कर देने के हवाले से हो, ये करप्शन को क्या समझते हैं, इनकी नज़र में करप्शन के क्या मायने हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये ज़रूर उनसे पूछ ली जाए क्योंकि यही वो सारे केसेज हैं जो इस वक्त माजी के हुक्मरान जिनको सामना है और आने वाले वक्त में अगर आप भी इन्हीं तमाम केसेस का सामना करेंगे। BRT बिल्कुल एग्जैक्टली, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं तो ये अगर करप्शन नहीं है तो फिर और क्या है, इसके बारे में जरूर आज बात करेंगे जी। बिल्कुल जी, साथ ही साथ पाकिस्तान और UAE के दरमियान 3 अरब डॉलर कर्ज के लिए मुहैदा तय पा गया, ये भी आपको बता दें।
बिल्कुल जी, मुआहदे तो हो रहे हैं और आज भी एक बड़ी खबर है सऊदी अरब से, जो 3 अरब डॉलर की जो डील हुई थी, 1 अरब डॉलर शायद आज उनको मुतवक्के है, मिल भी जाएगा। तो इस तरह जो है वो डील्स हो रही हैं दोस्त ममालिक से, जो है मांग तांग कर जो है सिलसिला इस वक्त जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सिलसिला कितनी देर और चलेगा और कितने ममालिक हैं जो इस तरह इमदाद देंगे जिसके बाद आप अपनी इकोनॉमी को चला सकेंगे। लॉन्ग टर्म आपके पास क्या प्लान है, ये बात आज भी क्लियर नहीं हो सकी। नेक्स्ट आपको बताएं, कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल करने का हुक्म, जितनी इमारतें हों सब गिरा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जी। ये भी कहा, गली गली में कौन इजाजत दे रहा है प्लाजा खड़े करने की, शॉपिंग मॉल खड़े करने की, शादी हॉल खड़े करने की। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तेजी से एक्सपेंशन इस शहर में हुई है, जिस तरह इदारों ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है, ये जो बेहंगम आज इसका ट्रैफिक है, जो सारा निज़ाम दरहम बरहम है, उसकी वजह भी यही है। तो सबसे पहले होना ये चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट से ये गुजारिश है कि इन सारे इदारों के जो लोग हैं, जो कम अज़ कम पिछले 10 या 20 साल में रहे हैं, उन सबको बुलाकर जो है उनका ट्रायल ज़रूर होना चाहिए कि उन्होंने किन बुनियादों के ऊपर जो है वो ये सारी एक्सपेंशन होने दी, और ये सिस्टम में जितना बिगाड़ आया है सब उनकी वजह से ही आया है, जितने भी बल्दियाती महकमे इन सब को, तो ये सारे इस तबाही का जिम्मेदार हैं, ये जो पूरे शहर में बिगाड़ पैदा हुआ है। तो इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती तो ये ज्यादा मुनासिब होता जी। बिल्कुल जी। दूसरी जानब आपको एक बात ये भी बता दें कि साने साहिवाल में GIT के सरपरा ने मतूफी जीशान के अहले खाना से मुलाकात भी की है। बिल्कुल जी, अभी मुलाकातें और तसलियों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ हमेशा से यही होता आया है, इस तरह के केसेस में बड़े बड़े लोग जो है वो जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं, मीडिया के सामने आकर बात करते हैं और उसके बाद हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं। तो ये सिलसिला भी मज़ीद और चंद दिन तक जारी रहेगा और बहुत सारे लोग हैं अभी जाएंगे मकतूल के घर पर और फिर सियासी बयानात भी देंगे। तो ये हमारी एक रिवायत रही है जी। बिल्कुल जी, इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जिसके अलावा आज बात करेंगे, खासतौर पर बजट के हवाले से जी अभी बात करेंगे, और वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आवाम दोस्त बातें नहीं हैं ये। हुकूमत का कहना है कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है, मिनी बजट नहीं है, तो नाम तब्दील करने से चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। बहरहाल आज इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, आपको भी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा अबूर हासिल है, और भी यहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे, इवन हुकूमत क्या करने जा रही है कुछ देर बाद मिनी बजट पेश, हमारी गुफ्तगू भी हुई है थोड़ी देर पहले जी हुकूमत के स्पोक पर्सन से, उन वो भी आपको सुनाएंगे, वो भी शामिल करेंगे कि क्या है। बहरहाल मेरे ख्याल से एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जी और भी खबरें और चीज़ें यहाँ शामिल करेंगे सेगमेंट में। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज के वार्डरोब की बात करते हैं। आज का ब्यूटीफुल सा वार्डरोब हमें स्पॉन्सर किया है जी मीशाज कलेक्शन ने, एंड बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है विद मज़े के कट्स के साथ, अच्छा बनाया है, और पैटर्न और जो स्कीम्स का खास तौर पे ख्याल रखा गया है, दैट्स लुकिंग वेरी नाइस। और हमेशा से रेड एंड ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन ही एक बड़ा मकबूल है, सदियों से चलता आ रहा है, तो एक रिवायती ही अगर कहूँ मैं कलर कॉम्बिनेशन और कट्स के साथ, तो वो गलत नहीं होगा। वेल मीशा हमेशा से बहुत अच्छे डिज़ाइन बनाती हैं, क्रिएटिविटी नज़र आ रही होती है उनके कट्स के पैटर्न पे, डिज़ाइन पे। थैंक यू सो वेरी मच मीशा फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस इनके साथ जी। ये जो इनकी जो आउटलेट है वो तारिक रोड पर है, साथ ही साथ ऑनलाइन इनका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज है, और ई स्टोर भी है, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन परचेजिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको ड्रेस पसंद आता है या जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए। तो एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने कहीं जाना, सिटी में ब्रेक के फोन करा जाए। वेलकम बैक जी, एक मतलब फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और इस वक्त आपको बताया जी अहम खबर, बैंकिंग कोर्ट में सिर मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके हमशीरा फरियाल तालपुर व दीगर मुलजमान अदालत में पेश हो गए हैं। आपको बताया अदालत ने दोनों मुलजमान की जमानत में 14 फरवरी तक की तौसी कर दी है। अहम खबर से आपको अपडेट करें, एक मतलब फिर आपको बता दें, बैंकिंग कोर्ट में सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उनके हमशीरा फरियाल तालपुर व दीगर मुलजमान अदालत में पेश हो गए। अदालत ने दोनों मुलजमान की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी है। बिल्कुल जी, यह तक की ताज़ा तरीन इतला हमें मौसूल हुई है बैंकिंग कोर्ट के हवाले से है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जो स्कैंडल है उसके हवाले से तफ्तीश जारी है, तो बैंकिंग कोर्ट में आज सुबह पेश हुए और अदालत में कुछ ताखीर से पेश हुआ। उनकी वकला की टीम पहले अदालत में मौजूद थी, अदालत ने जब उनसे इस्तफसार किया कि आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ हैं,
تو انہیں بتایا گیا کہ وہ راستے میں شاید پھر وہ تاخیر سے عدالت پہنچے اور اس کے بعد جو ان کی ضمانت ہے اس میں 14 فروری تک کی جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی جو ہے تازہ ترین اطلاع ہے جو ہمیں موصول ہوئی ہے۔ جی بالکل جی۔ اچھا اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی لیں گے اپنے نمائندے سے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ سر کال بہت دیر سے ہمارے پاس آ رہی ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم، کون بات کرے کہاں سے؟ جی جی ریاض خان صاحب کیا کہیں گے؟ بس جی آج یہ کہیں گے کہ کل جو یہ انہوں نے جو تھانہ سائیوال پہ ایکشن لیا ہے، اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو کیفے کردار تک پہنچائے اور قوم جو ہے ان سے یہ توقع رکھ رہی ہے کہ یہ ایک ایسی مثال قائم کر دیں کہ یہ اب میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم سب بچوں کے ساتھ نکلتے ہیں تو اب ہمارے بچے جو ہے اس پنجاب پولیس کی وجہ سے سندھ کی پولیس کو بھی بڑے گھبرا جاتے ہیں، بابا پولیس کریے۔ تو خدا را ہماری کوشش ہے کہ پولیس ہماری دوست ہے، باہر ملک میں چلے جائیں تو اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں پولیس مین یور فرینڈ۔ آپ یہاں پہ جو ہے یہ دوسرا سسٹم آنا شروع ہو گیا، تو اگر یہاں پہ انصاف ہو جائے گا اور ان گھر والوں کو انصاف مل جائے گا اور ان کو کٹیرے میں لا کے ان کو واقعی سزا دی جائے گی تو یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے ریاض خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ماڈل کالونی سے کال کی۔ آج ہمارے پاس وقت کم ہے، چیزیں بہت ساری ہیں جو کہ ہم نے کرنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بینکنگ کورٹ کی طرف لے چلیں، جہاں آپ کو بتائیں کہ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، ان کے ہمشیرہ فریال تالپور اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے دونوں ملزمان کی ضمانت میں 14 فروری تک توسیع بھی کر دی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب تھوڑا لیٹ پیش ہوئے، ان کے وکلا سے سوال بھی کیا گیا، انہوں نے جواب بھی دیا، انہوں نے بتایا کہ کیا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے لیٹ پیش ہوئے ہیں۔ بالکل جی، تاخیر سے عدالت میں پہنچے اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ مزید سوالوں کے بارے میں پوچھا بھی گیا۔ بہرحال اس کے حوالے سے تفصیل بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے نمائندے اس وقت ذیشان لائن پر موجود ہیں جو بینکنگ کورٹ کے باہر ہیں اور وہ ہمیں اس خبر سے مزید آگاہ کریں گے۔ تھینک یو سو ویری مچ ذیشان فار جوائننگ اس۔ ذیشان بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس پیشی کے حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں آج حاضر یہ بینکنگ کورٹ میں جو ہے سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی تھی، جہاں پہ دوران سماعت یہ دکھایا گیا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی سابق صدر جو ہیں آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ جو ہیں فریال تالپور اور دیگر ملزمان جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے۔ لیکن آج دیکھا گیا تھا کہ سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کے اندر جو اہم ملزم ہیں انور مجید، اسے جیل حکام کی جانب سے جو ہے وہ آج پیش نہیں کیا گیا۔ جیل حکام کی جانب سے جو ہے آج وہ عدالت میں جو ہے وہ لیٹر جمع کرایا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آج انور مجید کو پیش نہیں کیا جا سکتا، انور مجید جو ہے وہ جنا کاڈیو کے اندر جو ہیں وہ زیر علاج ہے۔ اس کے بعد جو ہے انور مجید کے بیٹے جو ہیں نمبر زلکنین اور غنی مجید جو ہیں وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ایک بار پھر جو ہے دیکھا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان جیالے اور پی ایل ایف لوئر پیپل لوئر فورم کے جو ہیں وکلا کا وقت جو ہے وہ بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ پہنچا ہوا تھا بینکنگ کورٹ میں۔ ہمشیرہ جو ہیں فریاد تالپور کی جانب سے کارکنان تو کے والے استقبال کے لیے جو ہے وہاں پر کارکنان کی بڑی تعداد پہنچی ہوئی تھی۔ آج جو ایک بار پھر جو ہے سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کی بات کی جائے تو ایک بار پھر جو ہے نویں بار جو ہے وہ آصف علی زرداری کی ضمانت میں جو ہے توسیع کر دی گئی ہے 14 فروری تک۔ جی ٹھیک ہے ذیشان، بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگے کیا۔ نویں بات جی، 9 دفعہ توسیع پر توسیع ایکسٹینشن مل رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں یہ حالات ہیں آپ کے جسٹس کے اور آپ پھر کہتے ہیں؟ بالکل جی، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم کیس ہے۔ اس میں جو دیگر ملزمان ہیں انور مجید جن کا نام ہے، وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے نہیں عدالت میں پیش ہو سکے اور ان کے وکلا نے ان کا لیٹر جو ہے وہ پیش کیا، یہ بتا رہے تھے ہمارے نمائندے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی گئی۔ اور اس سے پہلے کئی بار پیشیوں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آتی رہی کہ گرفتاری کسی وقت بھی ممکن ہے، اور اسی کے پیش نظر آج بھی پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے وہ وہاں پر موجود تھے، لیکن ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری جو کہ شریک چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی ہے۔ جی دونوں محترم اور محترمہ کو جو ہے مزید ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ اب آپ کے سامنے ساری صورتحال جی، ایک مرتبہ پھر آپ کو چلیں بتا دیتے ہیں کہ بینکنگ کورٹ میں آج سندھ میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی اور کوئی خاطر خواہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیشی آج کی نہیں رہی۔ اگین جی صرف ایکسٹینشن ملنے کے لیے ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن، یہی یہاں انفارچونیٹلی پاکستان کی عدالتوں کا یہی حال ہے۔ چاہے تلخ لگے، برا لگے، میرا لگے، بٹ دس از ٹرو، دس از فیکٹ، دس از ریالٹی، دس از بٹر ٹروتھ۔ انفارچونیٹ کہ یہاں کی عدالتوں کا یہی حال ہے کہ تفتیشی جو نظام ہے
जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जो ट्रायल का निज़ाम है, जो इंसाफ देने का निज़ाम है, वो आपके सामने है, कितना सुस्त है, कितना अच्छा है, बुरा है, पूरी दुनिया देख रही है। और पूरी दुनिया जब जैसे थे पाकिस्तान में 100 साल बाद एक केस का फैसला आए, तो सोचिए कि उस मुल्क में क्या इंसाफ होगा, क्या उस मुल्क में जो है वो आप कानून से या इंसाफ से कोई तवक्को बिल्कुल जी। और इस केस में जो खास तौर पर टर्म इस्तेमाल हुई है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इस केस के अंदर जो है वो नामजद हैं, और उनके खिलाफ किस तरह केस आगे बढ़ा है ये भी हमारे सामने है। और जिस तरह हम देख रहे हैं कि डिले हो रहा है, तो लोग भी ये इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर इतना बड़ा मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जिसको आपने नाम दिया है, अगर ये केस है तो उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इतनी स्लो क्यों हैं। बहरहाल ये वो एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता रहेगा, ना सिर्फ ये बल्कि और दीगर केसेस के अंदर भी, जिस तरह हमने देख लिया है कि फैसलों में ताखीर हो रही है, इस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और साहिवाल के वाकई के हवाले से भी, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई, जिस तरह की कार्रवाई सामने आई है ये गैर मुतवक्के नहीं थी, कोई गैर मामूली कार्रवाई नहीं हुई है जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और ये बात हम बार बार दोहरा रहे थे, पहले भी इस बात की निशानदेही कर चुके थे कि मामला तो जो भी हो, हमारी जो कार्रवाई है वो हमेशा रिवायती होती है, बयानात सारे रिवायती होते हैं और उसके बाद मामले को जो है वो एक तरफ कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये गुज़िश्ता रोज़ जो GIT की रिपोर्ट आई है, जिसे 5 बजे आना था और ये भी सबको पता था, लोग जानते ही थे कि ये 5 बजे नहीं आ सकती, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब के जो हैं उस्मान गुज़दार साहब, उन्होंने ये बात कह दी थी कि 5 बजे वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो बहरहाल वो रिपोर्ट आते आते भी बहुत ताखीर हो गई और उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो भी किसी के लिए नई नहीं है। जी बिल्कुल जी, ये तो मामला चलते रहेंगे, यहाँ के हम जुडिशल के को भी तस्करा बनाते रहेंगे कि ये भी अब बड़ा ज़रूरी हो गया है कि हर प्रोग्राम में इस पर ही बात की जाए, जिस तरह हर उस पर बात किया है कि इंसाफ का जो निज़ाम है, जो जस्टिस का निज़ाम है, वो इतना ताखीर का शिकार हो जाता है पाकिस्तान के अंदर, और ऑलरेडी है कि जिसकी वजह से लोग बहुत सारे मसाइल में घिरे हुए हैं और बहुत परेशान हैं। तो इस पर हमेशा और हर रोज़ बात करना भी ज़रूरी है ताकि जो असल लोग हैं उन तक इस बात को पहुँचाया जा सके। वेल आज जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि मनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी होने जा रहा है, और आज मिनी बजट जो है वो पेश भी होने जा रहा है। मिनी बजट जिसको हुकूमत ये कह रही है कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज के नाम से कहा जा रहा है, हुकूमत की जानिब से इस टर्मिनोलॉजी के नाम से जी कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। अली नासिर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, तज्ज़ियाकार हैं मईशत के हवाले से, उनकी भी गहरी निगाह होती है, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज मदद किया। अली नासिर साहब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम के जी बजट और मिनी बजट, यानी कि जब बजट की बात की जाती है, बजट की टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है तो एकदम दिमाग में जो आती है बात वो यही होती है कि जी बजट इज इक्वल्स टू टैक्स। यूजुअली तो हम जो लोग शायद थोड़ा बहुत जानते हैं उनके दिमाग में तो यही बात आती है कि जी बजट इज इक्वल्स टू द अनदर टर्म और वर्ड फॉर टैक्सेशन और टैक्स के हवाले से, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि जी मिनी बजट नहीं है, ये तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लेकर आ रहे हैं। रिफॉर्म पैकेज में भी ऐसा क्या दे देंगे जो हमारे और आपके लिए रिलीफ साबित होगा? कोई खास ऐसी चीज ना ये दे सकते हैं ना इनके पास है, पिछली हुकूमत के पास भी कुछ नहीं था देने के लिए, इनके पास भी कुछ नहीं है जी। अब मेरे ख्याल से क्योंकि आपका भी मुशाहिदा बहुत है, यासिर साहब का भी बहुत मुशाहिदा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज वाजे है कि हमारे मुल्क के माशी मसाइल का हल हमारे जो थ्यूरिस्ट हैं, हमारे जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं और सदी अखबार हैं और इसके अलावा दीगर लोग हैं, इनके पास इसका हल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बुनियादी मसला भी यही है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये एक इस तरह का मसला है। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है, लिखा है, पढ़ा है, आपके साथ भी बात करने का मुझे बात करने का मौका मिलता है जी। पाकिस्तान के माशी मसाइल इस वजह से पैदा हुए हैं क्योंकि हमने पिछले काफी सालों से मुस्तकिल बुनियादों पर झूठ बोला है। सबसे पहला फ्राड अवाम के साथ जो किया गया है वो किया गया है कि हमारे पास वसाइल का कोई फुकदान नहीं है जी। और पाकिस्तान के पास नऊजुबिल्ला दुनिया की हर नेमत मौजूद है। वैसे तो हर पाकिस्तानी को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे हमें अपनी नेमतें गिननी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास पर कैपिटा रिसोर्सेज जो है वो अपने पड़ोसी ममालिक से कहीं कम है और हमारा बड़ा बुरा हाल है। और हमारे मुतालिक जो बातें की जाती है पाकिस्तानी की किताब में जो फजूलियात लिखी हुई है
कि पाकिस्तान पता नहीं जो है वो दुनिया के अंदर एक ही एहसास से कमतरी का बेसिकली जो लोग शिकार होते हैं वो गलत बयानियां करते हैं और अवाम को एक फ्रॉड किया है अवाम के साथ और उनको मिसगाइड कर देने की वजह से आज कितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज लिए हैं ये ले आए या इनसे पिछले ले आए या उनसे पिछले ले आए कोई भी सियासी जमात कोई भी हमारे यहाँ जो आप कह सकते हैं कि सोचो फिक्र रखने वाले लोग हैं उनके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ये तो इसराइल पैकेज के बारे में हो गया। जी जी अच्छा अली नासिर जरा ये बताइएगा कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं अब ये मॉडर्न इकोनॉमी जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है इसको थोड़ा सा आसान करके ये बात करते हैं कि इनके पास अभी तक कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है ना माजी में हुकूमतों के पास रही जो पाकिस्तान जैसे आबादी के तनासुब में एक बहुत बड़ा मुल्क है आबादी के तनासुब से बात कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मुल्क है अब उसके लिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनमें से माजरत के साथ एक भी कोई ऐसा काम है जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना इनकी कंसिडरेशन में है ना इनकी ना किसी और हुकूमत की तो ये कैसे मुमकिन है कि ये नाम बदल बदल कर अगर बाहर की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें किसी पड़ोसी मुल्क का मॉड्यूल ये कॉपी करके यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें हमारे मुल्क की डायनेमिक्स को समझते हुए कैसे काम कर सकता है ये ज़रा समझा दीजिए। सर अनार की जो झाड़ी होती है उसके ऊपर अगर आप ये कहें कि सेब लग जाएगा वो तो गलत है ना। जी जी बिल्कुल तो ऐसा ये बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं और की चीज लगाकर यहाँ पर पेश नहीं की जा सकती। बिल्कुल बिल्कुल बुनियादी मसला यही है कि हर आदमी जो है ना वो ये वजीर आजम की सीट को या वजीर खजाना की सीट को जो है ना दूल्हे की सीट समझता है। जी जी बिल्कुल कि यार जैसे शादी सबकी होती है ऐसे हम भी वजीर खजाना बन जाएंगे और आपको पता है मेरी बड़ी बुरी आदत है मैं गाना गाना चाहता हूँ तो मुझे गाना आता नहीं मेरे एक उस्ताद है उन्होंने कहा तुम गा गा के गवैये हो जाओगे। जी जी तो शायद असद उमर साहब को भी लोगों ने कहा तुम वजीर खजाना बन जाओ तुम गलतियां कर करके सीख जाओगे। जी तो अभी तक जो कुछ कर रहे हैं ये बात आपकी सही है ये बेअसर है होम्योपैथिक दवाई है और ना फायदा ना नुकसान बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि जो जो भी दवा ये कर रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है कि मईशत के ऊपर उसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और देखें गुर्बत बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है लेकिन फिर वही बताऊंगा कि बर्गर पप्पू अवाम जो कि कीबोर्ड जिन्हें मैं कीबोर्ड मैनिया और कीबोर्ड माफिया कहता हूं वो ट्विटर फेसबुक के ऊपर बैठकर एंकरों को मीडिया को गालियां देकर हकीकत से नजरें ना तो चुरा सकते हैं जी ना बदल सकते हैं हकीकत को हाँ ना बदल सकते हैं। बेसिकली बात मैं आपको ये बता रहा हूँ ना आजकल असल में एक ही कल्चर है इनको मैं खास तौर पर कहता हूँ बर्गर पप्पू कीबोर्ड माफिया जी ये वो बर्गर पप्पू बच्चे हैं जो बुनियादी तौर पे सियासी जमातों के साथ मुंसलिक हो जाते हैं और इनका फेसबुक ट्विटर के ऊपर काम गालियां देना मुगल्लादात पकना और फिजूल नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है जी। ये वो लोग हैं जो आपको पता होगा कि जब भी आप कहीं शादी पे जाएं तो ये उन मेहमानों में से होते हैं जो बेवजह आपकी हर मसले का हल बताने की कोशिश करते हैं जी। जैसे आपको पता है हमारी कौम की बुरी आदत है पुराना मानना मुझे लोग सत्ता हसन निसार कहते हैं मैं सही बात करता हूँ बिल्कुल हमारी कौम का मसला है मैं अमेरिकन के साथ साथ बरतानियों के साथ जर्मनों के साथ जापानियों के साथ जब भी बैठता हूँ अगर मैं कहता हूँ मुझे खांसी आ रही है तो वो कहते हैं डॉक्टर को दिखाओ जी। हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं ना ये फौरन बोलते हैं फालतू माइसिन ले लो बिल्कुल ऐसे बेकारो सिरप पी लो मतलब ये कि बेकार में जो है ना जिसे कहते हैं जिसको जो काम नहीं आता ना वो जी। मतलब दांत का डॉक्टर आंख का डॉक्टर दांत का इलाज इनको ढकेगा कुछ नहीं पता कि मुल्क की मईशत को कितना ठीक करना है जी। ना इनको पता है ना शॉर्टकट अजीज को पता था मुशरफ साहब आपका प्रोग्राम देखते हैं मैंने सुना है दुबई में बैठे जी, जी। तकिया मुंह पे लेके छुप के देखते हैं उन्होंने भी जो शॉर्टकट अजीज लाए वो अंग्रेजी बोलने की वजह से लाए एक तो हमारे यहाँ वाला प्रॉब्लम है अंग्रेजी बोलने वाला आदमी बड़ा अच्छा वजीर खजाना जी 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 अभी अब से कुछ देर पहले जब हमारी स्पोक पर्सन से बात भी हुई है हुकूमत के तो वो भी बस इनका थोड़ा सा फोकस मुझे जो नजर आता है अली नासिर वो ये है कि जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी अंग्रेजी पे ज्यादा इनका फोकस नजर आता है अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने गुफ्तगू भी किया अभी थोड़ी देर में हम सुनाएंगे भी और जो ये लेकर आ रहे हैं मिनी बजट उस हवाले से बात की तो उस पर वही बात है के इम्पोर्ट्स पे जी बढ़ा रहे हैं मजीद ड्यूटी उससे मिडिल क्लास को या गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कौन सा फर्क है जो नहीं पड़ेगा ये कैसी बात हो सकती है आप टैक्स बढ़ाएंगे तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। पॉलिसी बना लें आप लोग मीडिया का आप लोगों का नंबर प्रोग्राम है एक पॉलिसी बना लेते हैं अब इनका कोई वजीर जो है ना वो 10,000 रुपए से ज्यादा का बड़ा फोन नहीं खरीद सकता बात ये इन पर पाबंदी लगा दें इम्पोर्ट इनको ना पसंद है ना ये जितने जुल्फी और पता नहीं कौन कौन रखे हुए इन सब पे पाबंदी लगा दें अपने फोन जो है ना ये सरकारी खजाने में जमा करवा दें अब से ये वो एनालॉग वाला फोन लें वो 33,000 जैसा और ये मुल्क का जो है ना खजाना जो है उसमें जमा कराएं और इम्पोर्ट जो है उसको रोकें फिर दूसरी बात
बच्चों के पोतों तक के ऊपर जो है ना उन्होंने ड्यूटी लगा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों के पोतों और खवातीन के मेकअप से इनकी क्या दुश्मनी। जब जो बारी आती है खवातीन के मेकअप कॉस्मेटिक पे टैक्स लग गया और फिर डिस्को डांस शुरू। इस दफा कहते हैं बच्चों के पैंपरों और पोतड़ों के ऊपर हम लोग टैक्स लगा देंगे, इसमें डिस्को डांस शुरू। अब इनके ऊपर पाबंदी लगा दे, तमाम उजरा के बच्चे जो है ये इम्पोर्टेड पोतड़े नहीं पहनेंगे। आप ये मुकामी मैं भाई यासिर साहब मजाक नहीं कर रहे हैं, हरकतें होती है ना, इससे बंदे का दिल जलता है यार, आवाम के ऊपर कोई असर नहीं होगा। अब इनके बच्चे पैंपर नहीं पहन सकते, जितने भी इनके वुजरा हैं, इनके एमएनए हैं, एमपी हैं और जितने इनके सेनेटर हैं, उनके बच्चे ये तमाम अशिया इस्तेमाल नहीं कर सकते जो इसमें लिखी हुई है। इनकी खवातीन के ऊपर मेकअप बैन है, अंदली बपास के ऊपर मेकअप बैन है, जो वो कौन सी है जितनी इन्होंने जो आंटियां जिनको ओहदे दिए हुए ना पीटीआई के अंदर, उनका मेकअप बैन करो। नहीं नहीं मैं बात सर क्यों मुल्क को मुश्किल में डाल रहे हैं आप, बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। नहीं सर कड़वी बात बोल रहा हूँ मैं, ये जितने जो जितने लोग हैं ना सर, इनका फिर मेकअप बंद करवाएं, बाकी आम के ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों भाई अब आम पर कोई असर नहीं होगा? देखें बात जज्बाती बात नहीं मैं कर रहा हूं। जी, जी। ये जितने लोग मासूम बन के हर बात मान जाते हैं, इनका भाई बंद करो। अच्छा ये जो पार्लियामेंट के अंदर अब से इनके सेनेटर जो हैं, ये जनाबे वाला और इनके जो एमएनए हैं, एमपीए हैं, ये तमाम जो है अब बीएड के अंदर और बड़ी बड़ी चीफों में नहीं आएंगे, ये मुकामी तौर पे असेंबल हुई गाड़ियों पे। ठीक है। अच्छा अली नासिर आपको थोड़ी सी जहमत और देंगे, आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी और मौजू है हमारा आज मिनी बजट। मिनी बजट आज सवाले से हमने मजीद गुफ्तगू करनी है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हुई कुछ हमारी खबरों के हवाले से और मईशत के हवाले से, खासतौर पर हमने गुफ्तगू की, हमारे साथ मौशी तजियाकार अली नासिर साहब लाइन पर मौजूद थे और उनसे बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई ये आने वाले मिनी बजट के हवाले से जो आज पेश किया जा रहा है, जिसको मुख्तलिफ नामों से हुकूमती अरकान या वुज़रा जो हैं वो बुला रहे हैं और उनका कहना यह है कि ये मिनी बजट जो है वो इसको ना कहा जाए। बहरहाल अब ये मौशी इस्तलाहात जो करवाई जा रही हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, अवाम शायद अब ये समझ चुके हैं कि बजट के नाम पर जो धोखा उनके साथ किया जाता है इसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि मजीद टैक्सेस का बोझ उनके ऊपर लाद दिया जाए और बड़े आसान अल्फाज में ये बताएंगे कि जितने नौकरी पेशा लोग हैं या अफराद हैं उनके ऊपर मजीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा, ये हमेशा से हुकूमती पॉलिसी रही है और इसी के हवाले से माजी में बड़े बुलंदोबांग दावे किए जाते थे कि इस सिस्टम को तब्दील किया जाएगा और जो नौकरी पेशा लोग हैं उन पर से बोझ जो है वो कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा और यकीन जानिए कि हुकूमत के पास ना कोई प्लानिंग है, ना उनको इन मामलात की समझ है, ना उनको ये पता है कि इन मामलात को किस तरह चलाना है, लेकिन उसके बावजूद उम्मीद ये है कि शायद जिस तरह उन्होंने दावे किए थे कोई ना कोई आगे जाके हल निकाल ही लिया जाए। बिल्कुल जी, और इस वक्त अभी कुछ देर पहले हमारी चूंकि इस वक्त वफाकी काबीना का इजलास शुरू होने वाला है जी, और इस वक्त सब तैयारियों में लगे हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और असद उमर साहब, साथ ही साथ जी इस वक्त जो एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन है इकोनॉमिक्स के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, वो भी इस वक्त फारूक सलीम साहब के बाद देख रहे हैं वो सारी चीजें। तो अब फारूक सलीम साहब वही बेचारे जिनसे बड़ी हमदर्दी है, जिनको ट्विटर पे हायर किया था, ट्विटर पे फायर कर दिया था, बहरहाल उनके हमसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगु हुई है डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब ने कि इसी हवाले से जी के जी ये क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आया जा रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको दिखा देते हैं। नाज़रीन जिस तरह से हम जानते हैं कि आज कुछ देर बाद अभी मिनी बजट पेश होने जा रहा है और हमें ये मालूम है कि मिनी बजट में बहुत सारी ऐसे खदशात और तहफ़ुज़ात हैं जो कि आवाम को हैं, क्योंकि अगेन बजट जब भी बात की जाती है तो बजट का मतलब ये होता है कि टैक्सेशन, यानी कि टैक्स मजीद लोगों के ऊपर आयद करना। लोग यही सोच रहे होते हैं कि जब भी बजट का नाम सुनते हैं या उनके दिमाग में आता है, उनके जहन में आता है तो यही नजर आता है कि जी बजट आएगा, जब तो बजट के साथ साथ टैक्स मजीद आएंगे, मजीद टैक्स के बोझ तले जो है वो आवाम नीचे जाएगी। इस वक्त हमारे साथ जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उनसे हम कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें और उनसे जानना चाहें कि कुछ देर बाद जो है जो मिनी बजट पेश करने वो जा रहे हैं उसमें कौन से इस्लाहात लेकर आए जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट जब हमारी बात हुई थी इफ्तिखार दुरानी साहब से तो ही सेड इट कि जी इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है ये, इसको मिनी बजट ना कहा जाए। तो मैं उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान,
नजीब साहब आपका क्या, आपने भी ज्वाइन किया? जी प्रेरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जो आप लोग मिनी बजट ला रहे हैं, जिसको आप ही के जो एडवाइजर एंड स्पोक पर्सन है प्राइम मिनिस्टर साहब के, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज कह रहे हैं उसको, तो ये क्यों लेकर आया जा रहा है, इसका असल मकसद क्या है इतनी जल्दी? अभी तो 5 से 6 महीने हुए हुकूमत आए हुए, हुकूमत को बजट पेश किए हुए, जो हुकूमत ने पेश किया है, फिर उसके बाद ये लाने का क्या मकसद है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो इसको मिनी बजट कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, जैसे कि पहले भी हुकूमत ने आपको कहा, ये एक इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकेज है, और इसको लाने का मकसद पाकिस्तान में इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। इसका मकसद ये है कि बिजनेस को सपोर्ट किया जाए और इन्वेस्टमेंट को मुल्क में बोथ लोकल और फॉरन को इंसेंटिवाइज किया जाए। दिस इज द होल पर्पस। और इसको ये कोई टैक्सेशन मेजर्स लाना नहीं है, बल्कि टैक्सेशन की सहूलियात फराहम करना है बिजनेसेस को, ताकि वो ग्रो कर सकें और उस ग्रोथ से पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन हो और बिजनेसेस जो हैं वो मुल्क में इकोनॉमी के पहिए को आगे बढ़ा सकें। अच्छा, मुझे थोड़ा सा डॉक्टर खाकान नजीब साहब मुझे ये बताएंगे कि इसमें आप लोग क्या क्या चीजें ऐसी लेकर आ रहे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी माशी असलाहत हैं जिसके बाद आप ये समझते हैं कि बिजनेस को प्रमोशन मिलेगी, और या फिर जैसे हुकूमत का बहुत ज्यादा फोकस हमने देखा कि जी इम्पोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को जो है वो इंक्रीज करें, बार बार ये बात हो रही है, हर जगह असद उमर साहब भी ये डिस्कस करते हुए नजर आते हैं हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह हर खबर में यही चीज ज्यादा से ज्यादा फोकस की जा रही होती है, तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इसमें आप लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे ज्यादा इस पे फोकस होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, ताकि जो एक बिजनेसमैन की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, मसलन उसका इंटरैक्शन मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कम किया जा सके और उसको वो सहूलत फराहम की जा सके, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उनको आसान बनाया जा सके, स्ट्रक्चर्स को आसान बनाया जा सके, ये जो आपके फॉर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई किया जा सके, और स्पेशली ये फोकस होगा एक्सपोर्ट से, और ये कंटिन्यूटी है हकूमत के उस तरजीह की जो उन्होंने ECC और फिर कैबिनेट ने, आपको याद होगा आज से कुछ पा पहले $6.5 पर MMBTU का एक स्पेशल इंसेंटिव गैस के जरिए और 7.5 सेंट की बिजली जो है ये 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स को दी गई थी जी। और उन्हीं सेक्टर्स को फोकस किया जाएगा ऑन दी एक्सपोर्ट, जो 5 0 रेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि इस हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल फोकस 3 एरियाज में है। एक कि लो कॉस्ट हाउसिंग को सपोर्ट किया जा सके, तो आप देखेंगे कि इसमें मेजर्स होंगे जो लो कॉस्ट हाउसिंग को सपोर्ट कर सके। फिर इनका एक और जो एरिया है वो है माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। हुकूमत ये समझती है और एक्सपर्ट से मशवरा किया गया है और वो सब ये समझते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो बैकबोन होते हैं इकोनॉमी की और एक्सपोर्ट की, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। और फिर आप ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर फाइनेंस, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको ना ही सस्ती यूरिया और DAP की फराहमी की जाए, बल्कि उनको फाइनेंस की अवेलेबिलिटी जो है एक स्पेशल इंसेंटिव के थ्रू इस बजट में आपको दिखाई देगी। अच्छा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने ये देखा है कि जो अभी आप लोग 5 महीने पहले बजट लेकर आए, 5 से 6 महीने पहले की बात कर लें, वो बजट भी जो है वो खसारे में रहा, बार बार ये बात होती रही, आपके खुद अपने जो PM साहब के जो लगे थे स्पोक पर्सन इकोनॉमिक्स पर, फरुख सलीम साहब, एक तो बड़ी हैरानगी बात थी कि ट्विटर पे उनको हायर किया, फिर ट्विटर पे फायर कर देते हैं, तो उन्होंने भी जो बातें और जो निशानदेही की बार बार, जिस चीज़ों की वो निशानदेही करते रहे अपने टेन्योर में, कि जो एक पॉलिसी होती है या जो एक रूट होता है वो डिफाइनेबल नहीं था गवर्नमेंट का, वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, और बार बार जो है वो खुद भी तनकीद करते रहे, बीच में भी जिस तरह से इनिशिएटिव्स दिए गए उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट किया कि जी 30% मार्केट स्लो हो गई है, 30% मार्केट में जो है वो बिजनेस कम हो गया है, इस्लामाबाद के सर्वे की भी उन्होंने बार बार जो निशानदेही की। तो सवाल यही है
कि क्या आप ये समझते हैं कि इस मिनी बजट या फिर चूंकि आप जो इस्तेमाल के लिए टर्म इस्तेमाल करें इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज की अगर बात कर लें तो इसके बाद क्या लोगों को रिलीफ मिल जाएगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या आप परसेंट कम कर रहे हैं, रेशो कम कर रहे हैं परसेंटेज का टैक्स के हवाले से कुछ सिलेक्टेड एरियाज में, या बढ़ाने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा बता दें मुझे। जी बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या बिजनेसेस स्लो हो गए हैं या उनकी पेस में कोई तब्दीली आई है। देखें, दो दो आजाद और शुमार आपको अपने सामने रखने चाहिए जब आप ये डिसीजन करें बिसाइड्स द नंबर ऑफ अदर्स। सबसे पहले ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर बोरो कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बोरो नहीं कर रहा। मैं आपसे कुछ फिगर्स शेयर करता हूँ। पहले छह माह में प्राइवेट सेक्टर्स ने तकरीबन 500 अरब रुपए की बोरोइंग की है और पहले छह माह में पिछले साल इसी वक्त फिस्कल ईयर के 232 अरब रुपए की बोरोइंग की गई। तो मोर देन टू फोल्ड इजाफा है। सो प्राइवेट सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह इज बोरोइंग व्हिच सीम्स टू बी इन द राइट डायरेक्शन। फिर क्या एग्रीकल्चर बोरो कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के फिगर्स हमारे पास थोड़े लैग से आते हैं। जो फिगर्स इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें यह है कि 36% पहले तीन माह में ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर क्रेडिट की बोरोइंग में। तो इससे बजायरन हमें ये दिखाई देता है कि वी आर स्टिल मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। लास्ट बजट जो लाया गया उसके दो मेन पर्पसेस थे। एक पर्पस ये था कि हमने ये देखा कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको वापस लाया जाए 5 और 5.5% के दरमियान। जब बजट हम ला रहे थे तो हुकूमत को एक्सपर्ट एडवाइस यही थी कि इस वक्त अगर ये बजट प्रेजेंट ना किया गया तो बजट का खसारा 6 से 6.5% तक जा सकता है। उसकी करेक्शन के लिए लास्ट बजट प्रेजेंट किया गया ताकि हम 5.5% के इर्द गिर्द रखें बजट का खसारा इस साल का। इसमें इस बजट में जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या कोई तब्दीली की जा रही है। जी बिल्कुल। और मेरा सवाल यही है कि आम आवाम को तो ये मकसद है, मैं भी अगर अपनी भी बात कर लूँ तो हमें तो ये मकसद है ना, आप ये बता दें कि क्या परसेंटेज कम हो रही है टैक्स की, क्या टैक्स परसेंटेज कम हो रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स में इसमें कम करने जा रहे हैं या फिर अगेन बढ़ाने ही जा रहे हैं, और जो है वो टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय अगेन टैक्स रेशो बढ़ेगा इसमें। जी तो आपका मैं पहले सवाल का फिर वही जवाब दूंगा कि इस बजट में रेवेन्यू न्यूट्रल रखा जा रहा है, कोई नई टैक्सेशन नहीं की जा रही और जो टैक्स के आदाफ पहले मुकरर कर दिए गए थे उन्हीं से हम चलेंगे। तो पहले तो कोई परसेंटेज आप कह रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे टैक्स का मजीद? जी सिर्फ एक मेजर ऐसा है जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ पॉलिसी मेजर। व्हाट इज दैट मेजर? इम्पोर्ट में एक अनटेनेबल ऐसा इजाफा दिखाई दिया है पिछले 12 या 14 माह में कि वो करंट अकाउंट के खसारे को इतना बढ़ा रहा था कि वो अनसस्टेनेबल था। वो तो हुकूमत ने जो करंट अकाउंट का खसारा है वो इम्पोर्ट की वजह से बढ़ रहा था। और तो आप इम्पोर्ट पे मजीद टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम सारी इम्पोर्ट पे कोई टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। इनफैक्ट डू यू रियली थिंक सिर्फ यही हल रह गया है हुकूमत के पास कि इसके ऊपर इम्पोर्ट के ऊपर मजीद टैक्स बढ़ाते जाएं और जो है हल हो जाएंगी चीजें, टैक्स नेट नहीं बढ़ाने की अगेन कोई बात हो रही? धीरेदा मुझे मौका दे। हम इम्पोर्ट पे हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा है 1994 टैरिफ लाइन्स ऐसी हैं जिन पे एक रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई गई है पिछले 12 माह में। इस हुकूमत ने उसको फर्दर सेंक्शन किया और अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर के माह में और पहले 6 माह में भी उनकी इम्पोर्ट में कमी हुई है। ये कौन सी चीजें हैं? ये वो चीजें नहीं है जो कि एक आम या इवन मिडिल और अपर मिडिल क्लास यूज करती है, ये लग्जरी आइटम्स हैं। तो सिर्फ रद्दोबदल किया जा रहा है इसमें, वो सिर्फ हाई एंड गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी में रद्दोबदल किया जा रहा है। इस वक्त आप एक बैलेंस ऑफ क्राइसिस में है मुल्क में जिसको इस हुकूमत ने पिछले 6 माह में विद द फाइनेंसिंग जो अवेलेबल हुई है तकरीबन हल कर दिया है। उसकी कंटिन्यूएशन में थोड़ी सी इंपोर्ट कंप्रेशन के लिए ये है, लोकल टैक्सेस में सिर्फ ये किया जा रहा है कि मराद दी जा रही है बिजनेसेस को सो दैट वो जो इम्पोर्ट करते हैं अपनी रॉ मटेरियल को उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े, इंडस्ट्री जो है उसका जो तनासुब जीडीपी में है वो दोबारा रिवर्स हो। और आम आदमी के लिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि जो महंगाई की शरह है अगर ये सारे एक्शन ना लिए जाते, करंट अकाउंट को ये मेजर से ना कंट्रोल किया जाता और अब भी कंट्रोल किया जाए तो जो
महंगाई की शरह है वो बढ़ेगी। दूसरा, अगर फिस्कल डेफिसिट को वापस 5.5% के करीब ना लाया जाता तो महंगाई की शरह बढ़ती। तो जो महंगाई की शरह में कमी करने के लिए एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास को पाकिस्तान में गुड्स को एट कम्पेटिटिव प्राइस देने के लिए ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये पॉलिसी मेजर्स काम करें, नंबर वन। नंबर टू, देखें नंबर टू, इन द मीडियम टर्म आप इसमें देखेंगे कि ऐसी इस्लाहात होंगी जो कि जॉब क्रिएटिंग होंगी और हम प्रोडक्टिव सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, हाउसिंग को इंसेंटिवाइज करेंगे, हम एक्सपोर्ट सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, हम एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज करेंगे और ये एक जॉब क्रिएटिंग बजट होगा। इसमें आप स्पोर्ट्स में देखेंगे आपको एक इंसेंटिव होगा ताकि यूथ हैव एन आउटलेट इन द कंट्री। सो दिस इज द होल आइडिया। बट डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, सॉरी टू कट यू शॉर्ट ओवर इन बिटवीन, आई जस्ट वांट टू नो, जहां पर बात हो रही थी जी कि 50 लाख घर बना के दिए जाएंगे, जहां पर बात हो रही थी 1.5 करोड़ नौकरियों की, वहां आपने देखा अभी तक इसके ऊपर कोई ऐसा हमें प्रैक्टिकली इकदाम होता हुआ नजर नहीं आता हुकूमत की जाने से। फारूक सलीम साहब भी बस आए थे जब बताते रहे कि जी ये हमारी पॉलिसी होगी, यूं करेंगे, इस तरह से होगा, लेकिन फिर उसके बाद वो चले भी गए और कुछ नहीं होता हुआ नजर आया। अभी आपसे भी पूछने का मकसद यही है कि ये कब होगा? 6 महीने तो हो गए, लोग तो चीख रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, एक नौकरी भी नहीं दी गई। ठीक है, ये नहीं कहते कि 1.5 करोड़ नौकरियां दे दी जाए, लेकिन 150 नौकरियां या 50 नौकरियां या 100 नौकरियों की तो शायद कहीं बात हो सकती थी। देखिए, नौकरियां आपको प्राइवेट सेक्टर में देनी है, फैसिलिटेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज दी, लेकिन उनकी भी सिक्योरिटी मेक श्योर कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। आपने देखा प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल हो गया है हुकूमत के 6 महीने के अंदर अंदर। मीडिया हाउसेस की बात करें तो आपके सामने है कि कितने सारे लोग बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं सर। जी बिल्कुल, इसी को इंसेंटिवाइज करने के लिए और जो करेक्शन की जरूरत है, क्यों वेट किया इस गवर्नमेंट ने कि 6 महीने और वेट ना किया जाए जून तक, बल्कि पहले ही, क्योंकि ये टैक्सेशन बजट नहीं है, ये इंसेंटिवाइजेशन बजट है। तो हुकूमत ने ये समझा कि कोई जरूरत नहीं है कि हम 5 साल और वेट करें, और इसीलिए जनवरी के महीने में ये इंसेंटिवाइजेशन बजट दे दिया गया है। और इंशाल्लाह 23 जनवरी को the people of Pakistan will look forward to good news. The finance minister will present a budget which will show a revival of the industry and it will also show to the people ki the government is committed ki private sector facilitation jo hai wo is the centerpiece of the economic plan. अच्छा, मुझे लास्टली सिर्फ एक बात बताइएगा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 13 साल में हमने देखा था कि पहली दफा 5.8% तक हाई जीडीपी गई थी मुल्क के अंदर। अभी जो हम देख रहे हैं कि जी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जी 4% तक भी जीडीपी अगर ये जो है वो अचीव कर लेती है हुकूमत तो बड़ी बात होगी। IMF कह रहा है, ADB की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि डाउनवर्ड की तरफ इकोनॉमी वापस जा रही है। 4% पे जाना 5.8 से, डोंट यू थिंक कि ये तो नीचे की तरफ नंबर आ रहे हैं जो कि अब होने चाहिए थे? देखिए, ग्रोथ को आपने सस्टेनेबल बनाना है जी। सस्टेनेबल बनाने के लिए ग्रोथ में थोड़ी सी आपको गिरावट जरूर नजर आएगी पहले 1-2 सालों में, जिसकी वजह ये है कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि ये एक फॉरेन फाइनेंस ग्रोथ है और ये करंट अकाउंट $19 अरब का था लास्ट ईयर। इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी सी ग्रोथ में गिरावट आएगी, पर एज वी मूव अलोंग आप ग्रोथ में दोबारा एक रिवाइवल देखेंगे इन द आउटर ईयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे और जी गुफ्तगू हुई थी। मिनी बजट अब से कुछ देर में पेश हो जाएगा जी, और उस पर जो है ये बता रहे हैं कि क्या लेकर आ रहे हैं, नई इस्लाहात, माशी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं। अगेन सवाल वही है और वहीं का वही है, इम्पोर्ट्स पे मजीद टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है और मजीद टैक्स अगर बढ़ेगा तो फिर आवाम किधर जाएगी, सवाल ये उठता है। बिल्कुल जी, ये आपने देखा आपकी गुफ्तगू इनके साथ हुई, इनका नाम था डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, जो फाइनेंस के ऊपर जो है इस वक्त इनको हायर किया गया है और ये बात कर रहे थे। अच्छा, एक बात यहाँ पर इसकी वजाहत जरूरी है कि अगर ये जो छोटा सा मुख्तसर सा इंटरव्यू था इसको अगर एक क्वेश्चन पेपर मान लिया जाए या अगर ये सवालनामा इनके सामने रखा गया तो जो उन्होंने जवाब दिए वो सारे गलत थे, और बड़ी माजरत के साथ कि इसमें बहुत सारी बातों का या तो शायद उन्हें इल्म नहीं है या इसके बारे में नॉलेज नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग के हवाले से उन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ इंसेंटिवाइज देने की बात की है कि इंसेंटिवाइजेशन जो है वो है बजट की,
और कुछ पैकेजेस की बात की है, तो पता ये चला कि जनाब इनसे बिल्कुल ला इल्म है, बड़ी माजरत के साथ, किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं है, और जिन चीज़ों की जस्टिफिकेशन वो दे रहे थे शायद उसके बारे में अभी तक उनको ठीक तरह से मालूम भी नहीं, नहीं है। और वही वाली बात है कि आ गए हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इस वक्त एक्स गवर्नर से मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद जुबैर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, चलें दोबारा रापता करते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उनसे बात करें, और ये जो हुकूमत का मौकिफ है, अब भी इस वक्त आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास जो है वो बस शुरू हो चुका है जी, और वहां इस वक्त जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि मंजूरी दे दी है नहीं देनी। लेकिन आपको ये समझ आ गया होगा इनके गुफ्तगू से कि ये आवाम और हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होने जा रहा है, और आपको ये पता चल गया होगा कि ये इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज नहीं है जिसको ये बार बार खुद कह रहे हैं कि जी इस इस्तेलाह को इस्तेमाल करें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया एक्स गवर्नर से सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जुबैर साहब, उनको खुश आमदेद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया जी, थैंक यू। मोहम्मद जुबैर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं, अब से कुछ देर पहले हमारी गुफ्तगू हुई डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब से, और वो जिस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे थे आज मिनी बजट जो पेश होने जा रहा है उस हवाले से, इम्पोर्ट्स को बढ़ा दें, इम्पोर्ट्स को कम कर दें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा दें, इसी पे ज्यादा फोकस है हुकूमत का। लेकिन क्या ये असल जो है सोल्यूशन है, हल है सारी चीजों का? अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने घर की खुशहाली के लिए अपनी इनकम बढ़ा दें, तो बढ़ाना तो सभी चाहते हैं, एक्सपोर्ट कौन नहीं बढ़ाना चाहता, इम्पोर्ट कौन नहीं कम करना चाहता। तो ये एक नया मंत्र आके ये बिल्कुल जैसे ऑपोजिशन में नहीं होते थे कि अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें, इम्पोर्ट कम कर दें तो आपका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। आप ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, आप ये बताएं आप इम्पोर्ट करने के लिए कम क्या कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी के बहुत से सेगमेंट्स होते हैं जी। जो चीज जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो मसला था वो ट्रेड डेफिसिट ज्यादा था, बिकॉज इसी वजह से कि इम्पोर्ट ज्यादा थी और एक्सपोर्ट कम थी। अब वो क्यों थी, पहले तो ये पता करने की जरूरत है कि क्यों थी, फिर आप जाके उसको ठीक करेंगे। इम्पोर्ट जो ज्यादा थी पिछले साल, उसकी एक वाहिद वजह थी कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ आ रहा था, जिसने लगने के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी थी, अगर उस प्लांट एंड मशीनरी का अगर आप वो जो अमाउंट है वो निकाल दें तो आपका इम्पोर्ट ठीक हो जाता है। तो ये तो देख लें कि वो किस लिए थी, एक मंत्रा मिल गया है क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया, इम्पोर्ट बहुत बढ़ गया, बावजूद सब एफर्ट के अगर आप उसको निकाल दें तो आपका सब सही हो जाएगा। तो क्या आप प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना बंद कर देंगे फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए? आपके इतने आपके प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में, तो वो लगेंगे तो बिजली पैदा होनी थी ना जी। तो वो पहले आने भी तो थे। अच्छा सर, मैं एक थोड़ा सा कंसर्न ये था कि अभी कुछ देर पहले एक और दूसरी मैं डॉक्टर खाकान के बारे में जी जी बता दूं जी। डॉक्टर खाकान जो है, एक तो मुझे समझ नहीं आती कि इस हुकूमत ने डॉक्टर खाकान को क्यों आगे खड़ा कर दिया जी। इज अ बाबू, इज अ ब्यूरोक्रेट जी। तो ब्यूरोक्रेट करते पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं, ये वही डॉक्टर खाकान है जो राइट हैंड थे इसहाक डार साहब के, और मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। तो भाई जब आप इसहाक डार साहब की तारीफें करते थे और की तारीफें करते हैं, पहले तो आप बताए ना आपके, और ये मोटे मोटे अल्फाज बड़े अच्छे इस्तेमाल करते हैं, आप मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जी। भाई जी। कोई पाकिस्तान दुनिया में कोई सर, हमारे यहाँ का मसला ही यही हो गया ना, मेरे ख्याल से पीटीआई को सिर्फ अंग्रेजी के ऊपर जो है भरोसा हो गया है, पॉलिसीज पे भरोसा नहीं है। बट एक कोई ऐसा शख्स मुझे बता दें जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहता, उस पर तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, लेकिन वो बार बार ऐसे मोटे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बजवर्ड। देखिए हमें टैक्स बढ़ाने की जरूरत है तो वो इस टाइम के नहीं बढ़ाने की जरूरत है, आप ये बताएं आप कर कह रहे हैं बढ़ाने के लिए जी। अच्छा सर, एक चीज अभी, क्योंकि ये खाकान हसन नजीब साहब से गुफ्तगू हुई, आई एम थोरली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनसे बात करके लगा नहीं कि किसी मामले की अभी तक शायद उनको समझ है, और जिस तरह की वो जस्टिफिकेशन दे रहे थे
वो भी समझ में ना आने वाली थी। बहरहाल कुछ उन्होंने, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी के बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन किसी एक के बारे में कोई ऐसा जवाब नहीं मिल सका जिससे पता ये चल सके कि आपके आने वाले वक्त में क्या डायरेक्शन सेट हो सकती है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये इसके अलावा आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अब ये किससे जाके ये बात की जाए, किससे ये पूछा जाए कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी जो है वो कैसे आएगी, या क्या प्लान है, यानी जो भी गवर्नमेंट आती है उसके पास एक प्लान होता है, एक विजन होता है, एक इकोनॉमिक रोड मैप होता है, वो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन अगर इस तरह लोगों को हायर किया जाएगा, अगेन वेरी सॉरी टू से कि मैं आई एम थोरली डिसअपॉइंटेड कि जिस तरह वो बातें कर रहे थे, मुझे ये लग रहा था शायद उनको इकोनॉमी की भी समझ नहीं है। तो ये हुकूमत किस तरह फिर अपने मामलात को टेकअप करेगी और किस तरह इतने सीवियर चैलेंजेस को जो है वो टैकल करेगी, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, मैंने तो आप डॉक्टर खाकान को बता दिया कि वो तो वो बात करेंगे जो हुकूमत वक्त चाहेगी। इज अ ब्यूरोक्रेट वो चाहेंगे, और हमेशा से ये असूल होता है कि ब्यूरोक्रेट को तो कभी आप आगे करते ही नहीं है टू बिकम द स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी पॉलिसीज, बिकॉज ही इज सिंपली इम्प्लीमेंटिंग व्हाट द पार्टी वांट्स। उनको स्पोक पर्सन और एडवाइजर बना दिया है आगे करके। जी अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जिस तरह मैंने कहा था इकोनॉमी के बहुत से सेगमेंट होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है ग्रोथ। ग्रोथ इज लाइक इनकम, आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। अभी ये कहते हैं कि ग्रोथ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मुझे सिर्फ ये बता दें कोई भी हुकूमत का कि तीन चार पहलू होते हैं जो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ होना क्यों खराब है, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ गिर गई है उसका जिक्र नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो करेगा, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, तो उसमें खराबी क्या है? जी लेकिन ये कहते हैं ग्रोथ इज नॉट द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। भाई ग्रोथ के हवाले से तो वो सर्विसेज सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर अगर बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, तो वो नेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। सो एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है जिसका कभी जिक्र नहीं होता कि आप ग्रोथ को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपके नाजरिक के लिए आसानी के लिए बता दूं कि देखें, इकोनॉमी इज लाइक अ बैलून, आप एक तरह से दबाते हैं तो दूसरी तरफ से निकल आता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इट्स नॉट कोई 100% सोल्यूशन नहीं होता, हर एक की अपनी मंतक होती है, अपनी प्रायोरिटी होती है। अब जिस तरह मैंने कहा कि ट्रेड डेफिसिट मैं थोड़ा सा बढ़ाने के लिए तैयार इसलिए होऊंगा कि मैं आज की इम्पोर्ट जो इक्विपमेंट और प्लांट के लिए है, वो अगले साल मेरी और आने वाले सालों में मेरी इकोनॉमी को में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि उधर से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। तो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इकोनॉमी का, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करना हर सेक्टर में, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होने दें। अब हुआ ये है कि इन्होंने एक चीज को रिजॉल्व करने के लिए, डॉलर की कमी को रिजॉल्व करने के लिए, बाकी तमाम सेगमेंट इकोनॉमी के बिठा दिए, और उसकी वजह से जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो 6.2% होनी थी इस साल, वो गिर के 4% से भी कम होगी। उसका मसला क्या होगा? उसका मसला ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट होगी। जाहिर है जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। हमें तो बताया गया था कि 1 करोड़ जॉब्स दी जाएंगी, अब 1 करोड़ जॉब्स की जगह 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब देनी पड़ेगी। सर, उसका भी एजेंडा क्लियर नहीं था कि ये इवन ऑटो सेक्टर में 50,000 लोग जो हैं वो जॉब लॉस है। इवन आप अपने मीडिया में देख, जी वही मैंने उनसे जिक्र भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप कोशिश कर रहे हैं उसी को रिवाइज करने के लिए, ये सारी चीजें की उन्होंने। अच्छा मोहम्मद जुबैर साहब, एक चीज और बता देगा, जैसे ग्रोथ की बात हो रही है, जीडीपी पे भी उन्होंने ये जवाब दिया कि जी उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए वो 1-2 साल में शुरू में नीचे जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, ये क्या राइट आपको लगती है मन तक? नहीं, कैसे राइट? मैंने जिस तरह कहा कि मुझे कोई ये समझा दे कि अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले में कम हो तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए कि जी 2-3 साल वेट कर लें? क्यों वेट कर लें? एक चीज सही चल रही थी, बड़ी सिंपल सी बात है, मुझे कोई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। या अगर आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और अब वो धाम से नीचे गिर गई है, स्टैंड स्टिल पर आ गई है, और आप कह रहे हैं कि जी 2-3 साल में ठीक हो जाएगी, क्यों 2-3 साल जो चलती हुई चीज को क्यों खराब कर दिया? इसका कोई जवाब नहीं देता कि जी डॉलर्स हमें चाहिए थे। भाई डॉलर्स आपने डॉलर्स कहाँ से पूरे किए? आप यूएई गए, आप चाइना गए,
आप सऊदी अरेबिया गए, अभी आप कतर से पता नहीं मिलेगा नहीं, तो डॉलर तो आप वहां से ले लें, बाकी इकोनॉमी का क्या ताल्लुक है उससे। ठीक है, ठीक है मुमैज़, सर लास्टली बस ये बता दीजिए, एक चीज मैं जानना चाहूंगा जरा इसके बारे में, जरा तशरीफ फरमा दीजिए, क्योंकि हुकूमत के पास से तो उसका जवाब नहीं मिला। ये सारे अवेलेबल ऑप्शंस अगर खत्म हो जाते हैं कि जितने आपके जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है उनके पास चले गए, आपको एक बेल आउट पैकेज मिल गया, शॉर्ट टर्म के अंदर तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, हो सकता है कि 6 महीना 10 दिन 8 महीने के लिए आपको ये रिलीफ मिल जाए, उसके बाद क्या होगा आपके ख्याल में? इन्हीं ममालिक से दोबारा रुजू करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आगे लॉन्ग टर्म क्या प्लान होगा कि ये फॉरेन रिजर्व्स को कैसे स्टेबल करेंगे, और फिर जब ये स्टेबल नहीं होंगे, एक बहुत छोटी सी चीज है, तो फिर आगे कैसे सर्वाइवल होगा, ये थोड़ा समझा। मैंने जिस तरह कहा कि हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होती है, मैं डॉलर सेव करता, मेरी प्रायोरिटी होती डॉलर चाहिए थे, मैं लॉन्ग टर्म आउटलुक के साथ करता। मिसाल के तौर पर अभी जिस तरह सऊदी अरेबिया से $3 ट्रिलियन है, वो अब 6 महीने के बाद आपको वापस देने हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे? तो उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन यू ना होता कि पहले दिन आप ऐलान करते हम IMF जा रहे हैं जी। और IMF से आप 3 या 4 या 5 साल का पैकेज देते। दूसरी चीज ये है कि आपके ऊपर प्रेशर ना होता। अभी जो आप ऑयल फैसिलिटी है, जो आज आपका ऑयल आ रहा है जी। उसका $3 ट्रिलियन आपको 1 साल के बाद, यानी कि आप 6-7 महीने रह गए, उसको वापस देना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। फिर आप इधर उधर भागे दौड़े जा रहे होंगे, और जैसे जैसे वो वक्त करीब आएगा तो आपकी इकोनॉमी पर प्रेशर दोबारा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है मौजूद सर, लास्टली बस एक चीज बता दीजिए, लास्टली से भी बता दें, अभी जो पेश कर रहे हैं अब ये बजट, आपको इसमें लग रहा है कि कोई आवाम के लिए रिलीफ होगा? आवाम के लिए रिलीफ क्या, आवाम का तो बेड़ा गर्क होने जा रहा है। ठीक है, जब आपका टैक्स की कलेक्शन में कमी होगी, जैसे 175 बिलियन रुपए की कमी थी दिसंबर तक, तो आप उसको कहीं ना कहीं से तो पूरा करेंगे। ठीक है, वो आवाम पर और टैक्सेस लगाएंगे। ठीक है, तैयार हो जाए आज शाम तक। ठीक है, तैयार हो जाए आज शाम तक, आवाम का बेड़ा गर्क होने जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सबक गवर्नर से हमारे साथ मौजूद थे, और जो गुफ्तगू हो रही थी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक में जा रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी जी, और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौके भी लेंगे इस मिनी बजट के हवाले से कि क्या है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, एक बार फिर गुड मॉर्निंग कराची, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख रहे थे हुकूमत का मौकिफ भी था, और सबका हुकूमत के नुमाइंदे भी थे जुबैर साहब, वो भी जवाब दे रहे थे। एक चीज जो कि बड़ी वो थी तवज्जो तलब, उन्होंने कहा जी ये तो ब्यूरोक्रेट है, इनको क्यों आगे कर दिया, ये तो उनके राइट हैंड थे, मैं नाम नहीं लूंगी, तो इसलिए अब वो नाम ले भी लूजो चलो वैसे, तो फिर किस किस के साथ रहे, तो ये भी तो है। तो फिर अब मतलब, और ये इसकी परफॉर्मेंस है कि तीसरे टेन्योर में, ये अब ये सोचे उसकी खाकान की परफॉर्मेंस भी सोचें कि ये तीसरे टेन्योर में आ रहा है, दो हुकूमतों के साथ पहले भी रह चुका है, राइट हैंड रह चुका है फाइनेंस मिनिस्टर का, और उसको कुछ नहीं पता है, मतलब ये हालात हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जो है यानी कि और कबाड़ा निकलने वाला है आवाम का और इस मईशत का। ये बड़ी हैरान कन बात है, बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि कम अज कम आपके पास लोग ऐसे होने चाहिए जो डिलीवर कर सकें, जिनको आप मामलात के लिए हायर कर रहे हैं उनको मामलात की समझ भी हो। खुदारा अब मामला किस तरह बेहतर होंगे, मेरा ख्याल है आगे ये पूछना मजीद बेकार है, क्योंकि जिस तरह लोग हायर किए जा रहे हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं ट्विटर पे, हायरिंग फायरिंग, ये एक नया ट्रेंड डाला नई हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने, एक नया ट्रेंड ट्विटर पे हायरिंग फायरिंग। ख्याल में मैं भी, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो तो कोई हुकूमती तर्जुमान, तो प्लीज हमें भी कंसिडर कीजिए, और ये आपको मेक्योर कराएंगे कि इनसे बेहतर जो है ना वो मामला आपको चला के दिखा सकते हैं, क्योंकि खुदा रहा कि अब जिस तरह लोग हायर हो रहे हैं तो हमें बड़ी सख्त जो है इसके ऊपर तशवीश जो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मजीद मेहमानों की तरफ जाने बढ़ते हैं, सख्त हमें ज्वाइन किया है MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीला शेदी, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने हमें ज्वाइन किया। तंजीला, मिनी बजट आ रहा है, मजीद वफाकी हुकूमत जो है आवाम के लिए परेशानी कर रही है। पहली बात बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज बुलाया, और सबसे पहले मैं जो अभी आपने कहा कि ट्विटर पर हायरिंग एंड फायरिंग, आप इतना उनको क्रिटिसाइज नहीं करें, ये बहुत अच्छी बात है। देखें, एक तरफ आप चले जाएं तो पेपर वो सेव कर रहे हैं, ये वो पेपर सेव कर रहे हैं, वो शायद ट्विटर पे वो मतलब इस तरह की, हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनको अगर वो ये समझते हैं, उनको पता शायद ये नहीं है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। पेपर बचाने से बेहतर होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स किस तरह से मूव करेंगे। सेकंड में बजट की आपने कहा, तो बजट एक और बजट,
एक दफा फिर बजे कितना टाइम हुआ है उनको आए हुए यहाँ आई थिंक अब वो 6 months कम्प्लीट करने जा रहे हैं अपनी टीम को और उसमें ये अभी बजट फिर से जून में फिर बजट इसमें है क्या आवाम के लिए अगर मैं एक नॉर्मल पाकिस्तान मैं एमपी नहीं सोच सकती आप भी पाकिस्तानी हो मैं भी पाकिस्तानी हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी इसमें आपके लिए क्या है इसको सो कॉल्ड जिसे उन्होंने पहले खुद ही मिनी बजट कहा और अब फिर वो उसे पैकेज का नाम दे रहे हैं हम अब यूज टू हो चुके हैं हम सब लोग वेरी फर्स्ट डे से जिस तरह यू टर्न लिए गए हम बाहर नहीं जाएंगे बाहर चले गए विजिट अभी तक 8 से ज्यादा तक विजिट हो चुके उनके और फिर बहुत से जो वाकयात हुए जिस तरह वो हर वाक्य पे अलग अलग यू टर्न रहते रहे रिसेंटली जो सहवाल वाक्य हुआ सीएम साहब अलग कह रहे थे उनके पंजाब के गवर्नर साहब अलग बयान दे रहे थे और फिर हमारे सदर साहब ने कुछ और कह दिया खान साहब ने कुछ उस पर और बयान दे दिया मतलब हर चीज़ पे अलग अलग हमेशा उन्होंने खुद को कहा कि हमारी मीडिया हमारी मतलब पूल रही है कम्प्लीट हमारी सबसे बैकबोन रही है लेकिन वही सोशल मीडिया या शायद इनकी इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक दूसरे तक अब वो बात करने का भी टाइम नहीं रहा हर कोई अपनी तरफ से कोई जो दिल में आता है वो कह देता है नहीं करना चाहिए अब 6 months हो चुके हैं अब फिर ये बजट मतलब अब बजट में अभी आपने एक बंदे से बात की है ना 4 और से बात कर ले हर एक अलग अलग बात करेगा ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि इनको ये क्लियर नहीं है आप जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा आपका एम क्लियर नहीं होगा आप कभी भी एक बात नहीं कर सकते अब इनको क्लियर ही नहीं इनके किसी भी बंदे को पॉलिसी क्लियर नहीं कि गवर्नमेंट आइंदा के लिए क्या करने जा रही है क्या उनका हुआ जो चांद तारे तोड़ के लाने थे पाकिस्तानी अवाम के लिए जो घर और जो नौकरियां मिलनी थी जिस तरह से बजट का अभी तक जो मिनी बजट हम तो इसे नहीं मानते हम इस बजट को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे उस बजट में जो आम इंसान से जो कुछ था उससे वो छीना जा रहा है रोटी महंगी पहले हो चुकी है आपकी गैस पहले नहीं है पेट्रोल की जो हालत है मुल्क की इकोनॉमी ग्रोथ रेट जिस तरफ जा रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंडीशन इन्होंने कर दी है इन सब चीजों को देखते हुए अब आप शाम तक आपका बजट आ जाएगा ये कितना भी उसको छुपाएं और शाम तक क्या आप रात को 11 बजे भी जो टॉक सुनेंगे कहीं किसी भी प्रोग्राम में आप 4 स्टेशन लगा के देखें 4 लोग बैठे होंगे 4 ही अलग अलग उसको डिफेंड कर रहे होंगे अलग अलग उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा और उनमें से कोई भी क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली उनका ऑब्जेक्ट क्या है वो क्या करना चाहेंगे वो आइंदा के टाइम में क्या करना चाहेंगे मेरे ख्याल है शायद खान साहब की नियत बहुत अच्छी है वो कुछ करना भी चाहते एक चीज और ऐड ऑन कर दूं इसमें इसमें सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर के हर शख्स बैठ के ऊपर फाइनेंस की बात कर रहा होगा ये भी आप जरूर देखिएगा सिवाय फाइनेंस मिनिस्टर के असद उमर साहब के हर शख्स बैठ के फाइनेंस के ऊपर इस बजट को डिफेंड कर रहा होगा और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब अपनी अपनी उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे होंगे अच्छा ये बताइए आपकी हुकूमत से नाखुश हैं और वो ये कहते हैं उनको सेटिसफाइड करके अपनी हुकूमत जो है वो यहाँ कायम कर ली जाए तो ये जो कारकर्दगी वफाक के अंदर है और अगर इस सूबे के अंदर भी हुकूमत मान लीजिए कि बना लेते हैं तो फिर क्या आपने तो मेरा ख्याल जवाब ही दे दिया मैं यही कहने जा रही थी कि आप पहले 3 सूबे संभाल लें वफाक शिकायत है उन्हें बड़ी सख्त आप काम नहीं करते भाई हम काम नहीं करते उनको शिकायत है उन्होंने क्या कर लिया है ये हमें बता दें हमने अपने लिए जो टारगेट सेट किए थे हम उसी तरफ जाएंगे लेकिन ये जो हर एक माह बाद एक नई पंडोरा बॉक्स खोल देते हैं और पीछे जो काम किया हुआ है वो सब कुछ खत्म जो वादे किए हैं वो उन पे कोई नहीं जाना लेकिन पीपल्स पार्टी बहुत सीनियर जमात है पाकिस्तान की हम उसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात मानते हैं और हम हमेशा अपने टारगेट्स में अपने ऑब्जेक्टिव में क्लियर होते हैं हमें ये डिक्टेशन देने की ज़रूरत नहीं हमारे आप 10 चैनल्स पे चले जाएं आप डायरेक्टली हमारे चेयरमैन साहब से बात कर लें वो हमारे एक ही बात होती है क्योंकि हमारे टारगेट क्लियर होते हैं हमें पता है हमें क्या करना है नेक्स्ट हमें पता है हमें इंक्रोचमेंट के लिए क्या करना है हमें पता है कि जॉब्स के लिए क्या करना है रिसेंटली हम जो एजुकेशन में और एजुकेशन में जॉब देने जा रहे हैं तो हमें पता है कि वो कब तक आएंगे हम क्लियर हैं हम ये नहीं कहते कि हम 500 नौकरियां दे देंगे या 1,00,000 नौकरियां देंगे हम अपनी कैपेसिटी जानते हैं आप आज का अखबार खोल के देख लें वहां पे लिखा हुआ है एजुकेशन में 100+ जॉब है हम अपनी कैपेसिटी देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमें पता है कि हमारी माली हालात क्या है गवर्नमेंट का पहले क्या हालात है 1 साल बाद या आइंदा बजट तक हम कहां तक पहुंचेंगे और उस बजट को देखते हुए
उस बजट को देखते हुए हम आगे जाए। तंजीला मुझे बताइएगा कि कल सिंध असेंबली के फ्लोर पर बहुत बहस छिड़ी है, दो तीन मामला जो कि डिस्कस हो रहे थे। एक सबसे ज्यादा पीटीआई ने, चूंकि अपोजिशन में है, सिद्धू इमरान ने एक जो है वो पास की करारदाद और जिसपे उसने बात भी की, रेजोल्यूशन जिसमें कि टनुला यार के अस्पताल के हवाले से भी जिसको तालुका से बढ़ के डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी दिया गया। मुझे थोड़ा सा बताइए कि वो जिस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे थे चीजें हो रही थी, क्या सिंध हुकूमत उस पर अब एक्शन लेगी? जी बिल्कुल, हम कल ही कह चुके थे और बल्कि अपोजिशन लीडर साहब को भी उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, वो फ्लोर पर उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा कि जो पहले तालुका हॉस्पिटल था वहाँ, मैं अपनी बात कोड नहीं करी, उन्हीं की कही हुई बात, उन्होंने कहा वहाँ पे स्टाफ और मतलब जो अद्वियात थी वो कम थी, इसलिए कि हॉस्पिटल अब शिफ्ट होने जा रहा है। बिल्डिंग की कुछ जाहिर हैंडिंग टेकिंग के हवाले से टेक्निकली कुछ चीजें पीछे रह जाती हैं, इमरजेंसी भी बंद, हर चीज बंद, वो हेडक्वार्टर बन चुका है, सिविल हॉस्पिटल बन चुका है। और सिविल हॉस्पिटल के लिए खुद कह चुके हैं शमीम साहब कि वो बहुत अच्छा, एक जो बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी बनी हुई है, उन्होंने खुद वहाँ पे फ्लोर पे कहा है। अब वो बिल्डिंग को क्योंकि हैंडिंग टेकिंग में जो टाइम हुआ था, ये हम मानते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग गया, वो भी इसलिए कि हम उसे एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे थे, उसमें कुछ जो कमी थी वो उसे कम्प्लीट करने के लिए हमें कुछ टाइम लग गया। अब हम उसे रिसेंटली ही शिफ्ट करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह पहले 6 मंथ से पहले इसमें हम शिफ्ट कर जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग, वहाँ पे स्टाफ और मेडिसन और जो चीजें ओटी वगैरह सब वहाँ पे हो जाएंगी। और इंशाल्लाह बजट से पहले शमीम साहब खुद कहेंगे वहाँ पे जाके, जिस तरह कल वो बिल्डिंग की तारीफ कर रहे थे उसी तरह हम समझते हैं कि वो बाकी भी हॉस्पिटल की तारीफ करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तंजीला, आपने हमें बड़ा अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ भी। और जिस तरह से आपके सामने जी मिनी बजट आ रहा है, करनी थी, और असेंबली का सेशन आज भी है और असेंबली के सेशन इस वक्त चल रहा है, उस पर भी जो प्रोसीडिंग हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करते रहेंगे और कोशिश होगी कि आपके लिए जो है मसाइल का हल ढूंढते रहें और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हर फोरम पे एड्रेस भी कराएं। आज के वार्डरोब की बात करें, आज के वार्डरोब में स्पॉन्सर किया मिशा कलेक्शन ने, तो थैंक यू सो मेरी मच मिशा फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल ड्रेस। बिल्कुल जी, आज बात हुई कुछ मईशत के हवाले से, और मईशत के हवाले से जो हुकूमती तर्जुमान थे उनका मौक़िफ़ भी आपने सुन लिया, वो मामला को कितना समझते हैं कितना जानते हैं ये भी हम जान चुके हैं, और अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये मामला जो चल रहे हैं खुदा करे कि खुद ब खुद ही किसी न किसी तरह ट्रैक पर आ जाएँ, वरना जिस तरह से पॉलिसीज़ को टेकअप कर रहे हैं और जिन लोगों को हायर किया जा रहा है इन तमाम मामलों को देखने के लिए, हम सब के लिए बड़ा हैरान कन है कि मामलात के बारे में अगर जिनको आगही नहीं है, समझ नहीं रखते, तो फिर ये मुल्की मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसी गुफ्तगू है जिसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। अब अपोजिशन से अगर राय ली जाएगी तो यकीनन इसको तनकीद का निशाना बनाएंगे, लेकिन हम बहसियत मीडिया पर्सन और बिल्कुल हम अपना जो है वो गैर जानबदाराना तज़िया देते हैं, चीज़ों को पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी अगर कोई उम्मीद नज़र नहीं आएगी तो फिर हम आपको क्या होप दे सकेंगे। बहरहाल इसी बात के साथ कल इंशाल्लाह आपको जो है वो दोबारा मुलाकात इस प्रोग्राम में होगी, कोशिश करेंगे नए मामलात और नए मौजूदात पर गुफ्तगू आपसे करें और आपकी राय भी प्रोग्राम में शामिल करते रहें। इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, मोहम्मद यासर रिदा से और गुड मॉर्निंग कराची की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।